नमस्ते मैं सौरभ हूं आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की पड़ताल दावा क्या है 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मॉल का उद्घाटन हुआ था मॉल का नाम है लुलू मॉल स्वयं सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओपनिंग सेरेमनी में फीता काट कर उद्घाटन किया था इस दौरान मॉल के मालिक यूसुफ अली भी मौजूद थे उद्घाटन के तीन दिन बाद यानी 13 जुलाई को मॉल में नमाज पढ़े जाने का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ वीडियो सामने आने के बाद दक्षिणपंथी संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन हुआ इसके बाद पुलिस ने मामले में जांच की बात कही थी अब सोशल मीडिया पर नमाज पढ़े जाने की घटना से जुड़ा दावा वायरल हो रहा है दावा है कि लुलू मॉल में हिंदू युवकों ने नमाज पढ़ी थी और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है ट्विटर यूज़र और महिला कांग्रेस से जुड़ी डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने ट्वीट कर लिखा लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज़ पढ़ने का मामला याद होगा सीसीटीवी से अब उन नमाज पढ़ने वालों के नाम पता चले हैं नाम है गौरव गोस्वामी सरोजनाथ योगी कृष्ण कुमार पाठक ये लोग मुस्लिम बनकर नमाज पढ़ रहे थे धर्म की अफीम चटाकर इस देश की बर्बादी का मंजर देख रहे कुछ लोग अपने ट्वीट में पूजा ने डीसीपी साउथ लखनऊ के ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी लगाया था हालांकि कुछ देर बाद पूजा ने ट्वीट डिलीट कर दिया पूजा त्रिपाठी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने लिखा ये पुरानी संघी तकनीक है गोट से भी बुरका नशी होकर गांधी की हत्या करने का षडयंत्र रच रहा था हालांकि थोड़ी देर बाद पवन खेड़ा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामई ने वायरल दावा ट्वीट कर लिखा लुलू मॉल सोलह सेकंड नमाज की घटना में नाथुराम गोडसे और मुस्लिम मंच वाले ही निकले ऐसी घटना मीडिया के एक वर्ग के सहयोग से घटित हो रही है जिससे बेरोजगारी महंगाई कानून व्यवस्था गरीबी और विकास पर बातचीत ना हो ऐसी घटनाओं से भय द्वेश अशांति फैलेगी तो कौन इन्वेस्ट करने आएगा इसके अलावा दूसरे सोशल मीडिया यूजर्स और नेताओं ने भी घटना को लेकर ऐसा ही दावा किया है अब है पड़ताल की दिलल्लन टॉप ने वायरल दावे के सच जानने के लिए पड़ताल की हमारी पड़ताल में वायरल दावा गलत निकला सबसे पहले हमने दावे में किए जा रहे नामों गौरव गोस्वामी सरोजनाथ योगी और कृष्ण कुमार को कीवर्ड बनाकर इंटरनेट पर सर्च किया सर्च से हमें इन नामों से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स मिली अमर उजाला की वेबसाइट पर 16 जुलाई 2022 को पब्लिश हुई रिपोर्ट के मुताबिक लुलू मॉल में नमाज पढ़ने के विरोध में हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को सुंदरकांड के पाठ का आह्वान किया था पंद्रह जुलाई की देर शाम करीब सात बजे तीन युवक वहाँ सुंदरकांड पाठ करने के लिए पहुंचे तो हंगामा शुरू हो गया वही एक युवक नमाज पढ़ने के लिए पहुंचा था मॉल में काफ़ी हंगामा होने लगा तो पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने हिंदू संगठनों से सुंदरकांड का पाठ करने के लिए पहुंचे भदोही के सरोजनाथ योगी जौनपुर के कृष्ण कुमार पाठक इटावा के भरतना निवासी गौरव गोस्वामी को हिरासत में लिया ये तीनों खुद को हिंदू समाज पार्टी का कार्यकर्ता बता रहे हैं वहीं नमाज पढ़ने पर अड़े सादतगंज निवासी अशरद अली को भी पुलिस ने हिरासत में लिया सभी को थाने लेकर गई जहां सभी के खिलाफ शांति भंग करने की धारा में केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया आज तक में छपी 15 जुलाई 2022 की रिपोर्ट में चार युवकों के गिरफ्तार होने की बात कही गई है इन चारों के नाम वही हैं जिनका जिक्र वायरल दावे में किया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि धारा एक के बावजूद चारों बिना अनुमति के मॉल के अंदर धार्मिक कार्य करना चाहते थे चारों के बारे में सर्च करने के दौरान हमें सरोजनाथ योगी की फेसबुक प्रोफाइल मिली फेसबुक पर 15 जुलाई को शाम छह बजकर छब्बीस मिनट पर सरोजनाथ योगी ने पोस्ट लिखकर खुद के गिरफ्तार होने की जानकारी दी थी उन्होंने लिखा लूलू मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने गया था मेरी गिरफ्तारी हो गई है साथ में गौरव गोस्वामी पाठक जी 15 जुलाई को डीसीपी साउथ लखनऊ के ट्विटर अकाउंट से घटना के बारे में ट्वीट भी किया गया था इस ट्वीट में सरोजनाथ योगी कृष्ण कुमार पाठक गौरव गोस्वामी और अरशद अली को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की बात कही गई है चारों पर धारा एक के उल्लंघन का आरोप है यहाँ गौर करने वाली बात है कि यही वो ट्वीट है जिसके आधार पर वायरल वीडियो में दिख रहे नमाजियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है इसके अलावा लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने ट्विटर के जरिए वायरल दावे का खंडन कर इसे भ्रामक खबर बताया है वैसे कहाँ तक इस मामले की जांच पहुंची वो भी जान लीजिए आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक लुलू मॉल में नमाज के पीछे साजिश के एंगल की बात सामने आई है पुलिस की माने तो मॉल के गेट से लेकर सड़क पर लगे सीसीटीवी को देखने से लगता है कि लड़के पैदल ही शॉपिंग मॉल के अंदर आए थे पहले ग्राउंड फ्लोर पर नमाज पढ़ने की कोशिश की गई थी सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो दूसरे फ्लोर के कोने में नमाज़ पढ़ी गई और वीडियो वायरल किया गया वायरल वीडियो में नमाज पढ़ने की दिशा भी गलत बताई गई नमाज पश्चिम की तरफ मुंह करके पढ़ी जाती है लेकिन वायरल वीडियो में नमाज़ गलत दिशा में मुंह करके पढ़ी गई नमाज पढ़ने वाले युवकों ने मॉल से कहीं कुछ नहीं खरीदा था शॉपिंग मॉल में लगे सीसीटीवी और मोबाइल टावर डिटेल के सहारे पुलिस लड़कों की शिनाख्त और गिरफ्तारी में जुटी है तो नतीजा क्या निकला हमारे पड़ताल में वायरल दावा गलत साबित हुआ दावे में जिन नामों का जिक्र है उनकी गिरफ्तारी मॉल के अंदर धार्मिक गतिविधि करने के प्रयास में हुई है ना कि नमाज पढ़ने को लेकर पड़ताल लिखे जाने तक वायरल वीडियो में हो रही नमाज के मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है वायरल दावा ट्वीट करने वाली डॉक्टर पूजा त्रिपाठी अपना ट्वीट डिलीट कर सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुकी हैं वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का कहना है कि चुपकी गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इसलिए उन्होंने अपना ट्वीट हटा दिया है आपके लिए पड़ताल की थे हमारे साथ यहां निशुल्य देखते रहिए दिल ललन टॉप